हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह अल्फा टेक एचडी लौट आया है अमेजिंग एंड ब्रांड न्यू फूड इंडस्ट्री वीडियो के साथ। वेल, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां हम देखेंगे पेप्सी और फ्रूटी जैसे कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्रियों में कैसे बनाए जाते हैं, साथ ही कई और फूड फैक्ट्री मशीन्स और प्रोडक्शन प्रोसेस भी देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे और अपनी कुर्सियों की पेटी बांध कर तैयार हो जाइए एक मज़ेदार सफर के लिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अल्फा टेक एचडी को और बेल आइकन भी दबाएं। एज प्रॉमिस्ड, वीडियो में पहले नंबर पर है सबके पसंदीदा पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग। पेप्सी हर घर में पी जाती है और हर पार्टी की वेलकम ड्रिंक भी होती है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाए कैसे जाते हैं? तो आइए देखते हैं ये बनाने की विधि। पेप्सी बनाने की शुरुआत होती है फैक्ट्रियों में कई हज़ार लीटर पानी के साथ, जिसके बाद फैक्ट्रियों में पेप्सी का कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है और बाद में कॉन्सेंट्रेट को पानी के साथ मिलाकर इनमें मिठास डाली जाती है। अब तैयार पेप्सी के ड्रिंक को बॉटलों में भरा जाता है, जो बड़े मशीनरी लाइन की मदद से किया जाता है। फाइनली पेप्सी को बॉटलों में भरने के बाद उन पर लेबल्स चढ़ाए जाते हैं और जिसके बाद उनकी क्वालिटी टेस्ट होती है और फाइनली उन्हें मार्केट्स में भेजा जाता है। तो नंबर दो पर है अमेजिंग मैंगो जूस मैन्युफैक्चरिंग, जो बाजारों में फ्रूटी माजा जैसे लेबल्स में मिलते हैं। इन ड्रिंक्स को बनाने की शुरुआत ताजे और मीठे आमों को फैक्ट्रियों में लाने से होती है, जिसके बाद इन आमों को कई बार धोया और साफ किया जाता है। बाद में एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन आमों को वर्कर्स लाइन तक लाया जाता है, जहाँ वर्कर्स इनके टिप्स और खराब हिस्से को काट कर अलग कर देते हैं। आगे इनामों से उनके छिलके और बीजों को अलग करके इनामों का जूस निकाला जाता है और इनमें दूसरे इंग्रेडिएंट भी मिलाए जाते हैं। तैयार ताजे जूस को बाद में बड़े कंटेनर्स में स्टोर कर फिलिंग लाइन में लाया जाता है, जहां जूस को बॉटल्स और कैंस में भरकर फाइनल पैकेजिंग की जाती है और इस तरह बनती होगी फ्रूटी। फ्रेंड्स, अब नंबर तीन पर है ये अमेजिंग केक सजाने वाली मशीन, जिसे देख आप हैरान रह जाओगे। ये स्मार्ट मशीन ऑटोमेटेड तरीके से केक्स को मनचाहे रूप में सजा सकती है और केक्स को बेहद खूबसूरत बना सकती है। बस इस मशीन को इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत है और बाकी का काम ये खुद ही कर लेती है। सो फ्रेंड्स, जस्ट हैव अ लुक। दोस्तों, अब आगे है हमारे वीडियो में
एक ऐसी गजब की मशीन जो एक वक्त पर हजारों सेब या एप्पल्स को काट सकती है। ये मशीन एक कन्वेयर और कई सारे शार्प ब्लेड्स का कॉम्बिनेशन है, जहां एप्पल्स को रखा जाता है और आगे मौजूद शार्प ब्लेड्स उन्हें बड़े एफिशिएंसी के साथ काटते चले जाते हैं। दोस्तों, बचपन में आप सभी ने आइस कैंडी जरूर खाई होगी, जो कई सारे कलर्स और फ्लेवर्स में मिला करती थी। तो आइए देखते हैं इन टेस्टी आइस कैंडीज को कैसे बनाया जाता है। इस फैक्ट्री में पहले अलग फ्लेवर्स और कलर्स के गोलों को आइस कैंडी के डाचों में डाला जाता है और जिसके बाद इन्हें फ्रीज करके तैयार कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, लिस्ट में आगे आती है एक ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी देख आपके होश ही उड़ जाएंगे। इस मशीन में मूंगफली के छिलकों से दानों को अलग करने से लेकर उन्हें साफ करके खाने लायक बनाने तक हर काम मशीन से ही किया जाता है। तो जस्ट हैव अ लुक। दोस्तों, वीडियो के लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेगमेंट में है हनी मैन्युफैक्चरिंग। हनी या शहद हम बहुत ही लुफ्त उठाकर खाया करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे मधुमक्खियों को पकड़कर उनके छत्तों में से शहद निकालती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।